हाय दोस्तों, मैं हूं अशरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अशोक लीलैंड दोस्त है। मुझे काफ़ी कमेंट आया था अशोक लीलैंड के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इसका मैं आज टाइमिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। मेरे हिसाब से जितना भी CRD इंजन है और टाइमिंग सिस्टम है, सबसे आसान टाइमिंग है अशोक लीलैंड दोस्त का। जी हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड दोस्त का सबसे आसान टाइमिंग है। वो कैसे ने इसका केम पे एक स्लॉट है और क्रैंक पे एक मार्किंग है। इस तरह एक्सटेंशन सॉकेट लेके केम के पिनियन में जो एक होल है उस पर घुसाएंगे। वो होल से होते हुआ हेड में भी एक होल है, तो पिनियन से होते हुआ हेड के होल तक जाके लग जाएगा, यानी कि केम आपका लॉक हो जाएगा। आप इस पर 2mm का बोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह, और ये लॉक हो गया। और क्रैंक पे तो कोई लॉक सिस्टम नहीं है, मगर एक मार्कर है एरो जैसा। वो कैसे है दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो आपका एक होल दिख रहा है जिस पे मैंने सर्कल किया हूँ, उस सर्कल के सीधे में रहना चाहिए ये जो क्रैंक के पिनियन में जो एरो के जैसा एक निशान है। ये देखो, उसका भी छोटा सा सर्कल किया हूँ। ये निशान इस होल के सीधे में रहना चाहिए, बस इतना है टाइमिंग। और ये टाइमिंग का मैथमेटिक कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है दोस्तों। अशोक लीलैंड दोस्त के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ऐसा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो। अभी भी मन में कोई डाउट है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, नीचे कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।